खोराबर थाने की पुलिस ने एक शातिर चोर को अवैध तमंचा के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस टीम ने पकड़े गए शातिर चोर के कब्जे से एक तमंचा, एक जिंदा कारतूस और चोरी की एक बाइक भी बरामद की है। गिरफ्तार किए गए अभियुक्त की पहचान अजय गुप्ता उर्फ बच्चा पुत्र भागवत गुप्ता निवासी डांगीपार थाना खोराबार के रूप में हुई है। इस संबंध में सीओ कैंट सुमित शुक्ला ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर उप निरीक्षक पंकज कुमार सिंह अपने हमरा उप निरीक्षक दयाशंकर यादव के साथ शातिर चोर को थाना क्षेत्र के आत्मदीप विद्यालय जंगल अयोध्या प्रसाद के पास से गिरफ्तार किया। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार किया गया युवक शातिर किस्म का चोर है। इसके ऊपर पूर्व में भी मुकदमे पंजीकृत हैं, जिसे आज जेल भेजा जा रहा है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीओ कैंट सुमित शुक्ला ने कहा, एक सौ खोराबार थाने के टॉप 10 में एक अभियुक्त शामिल था, उसकी कल पकड़ा गया तो उसके साथ एक चोरी की मोटरसाइकिल और अवैध वस्तु बरामद हुआ है, तो उसको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। उसके ऊपर 7-8 मुकदमे पहले से लिखे हुए हैं। मनमर टाइप का व्यक्ति है, लूट के भी मुकदमे हैं और इस तरीके से लोगों को डराना धमकाना ही उसका मुख्य काम है। कल खोराबार पुलिस को सूचना मिली कि वो इस तरीके से चोरी मोटरसाइकिल से और अवैध शस्त्र लेके घूम रहा है और कोई घटना कारित कर सकता है। इसमें पुलिस द्वारा उसको पकड़ा गया है, जिसमें वास्तव में उसके पास से अवैध शस्त्र भी बरामद हुआ और साथ ही उसके पास जो मोटरसाइकिल बरामद हुई वो भी चोरी की थी। तो इन दोनों धाराओं में उसको गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है।